जर्मनी में एक गाड़ी रेलवे 1000 किलोमीटर दिन हाइड्रोजन पे चली, हवाई जहाज चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप, आपके पास पानी बहुत है, नदियां बहुत है, समुन्दर है, उसी पानी को थोड़ा शुद्ध करके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर आप उधर एक सोलर प्लेटफॉर्म, सोलर के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होंगे और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर आपकी यूनिट लग जाएगा किसी छोटे जहाज में और उधर से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होके आप आपके यहाँ तैयार करेंगे तो और कॉस्ट कम हो सकती है। फ्लोटिंग सोलर लगाए आपके नदी में या आपके पानी में और उस पानी को शुद्ध करके उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाए, तो फ्लोटिंग सोलर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा तो बंगाल में आपकी गाड़ियां, ट्रक, बसेस चलेगी। अभी इंदौर के लिए, मुंबई के लिए, पुणे के लिए हम लोग हवा में चलने वाली डबल डेकर स्काई बस का भी प्लान कर रहे हैं और निश्चित रूप से कलकत्ता में भी ये उपयोगी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये भी होगी। वर्ल्ड फेमस रिलीजियस जो हमारे सेंटर है, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा नीलकंठ महादेव टेम्पल ऋषिकेश में, हनुमानगढ़ी टेम्पल नैनीताल में, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल नासिक, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टेशन, बस पोर्ट्स, इंटरनेशनल बस बोर्ड के साथ हम पार्किंग प्लाजा भी बना रहे हैं वाराणसी में, नागपुर में, कटरा में, तिरुपति में ये बना रहे हैं। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इससे रोड, फ्लाईओवर एंड मेट्रो में भी बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे अभी हम मेट्रो अलग बनाते थे, फ्लाईओवर अलग बनाते थे, अभी नागपुर में पहले बार बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। अब चेन्नई में हम एक रोड बना रहे हैं पोर्ट से, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में फिर 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। एक पुणे में हम बना रहे हैं वाघोली से शिरूर तक और एक तलेगांव से चाकण तक, दोनों को जोड़ रहे हैं। ये भी इसी प्रकार से है कि जो 3 टायर सिस्टम है, तो इस प्रकार का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर गति शक्ति में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम ये लॉजिस्टिक कॉस्ट और पैसेंजर को जो ट्रांसपोर्ट है दोनों में हम कैसे ये करें। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वाटरवेज को है, सेकेंड प्रायोरिटी रेलवे को है, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो रोड को है और फोर्थ एविएशन में है। अब 100 नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज का सब कानून मैंने बना के रखे। इन्वेस्टर की जरूरत है, आप जैसे लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो एयरपोर्ट की जरूरत नहीं, पानी पे हवाई जहाज उतरेगा तो मुझे लगता है ये भी फायदा होगा। कलकत्ता जैसे जगह पर अभी हावरक्राफ्ट लाए तो सी प्लेन के साथ हावरक्राफ्ट भी ट्रांसपोर्ट के लिए इधर से उधर अगर हम यूज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट में काफी अच्छा फायदा हो सकता है। वाराणसी से हल्दिया तक आप क्रूज टूरिज्म शुरू कर सकते हैं, ऑलरेडी शुरू है। मुझे लगता है कि इसमें आप इन्वेस्ट करिए और निश्चित रूप से हल्दिया से बंगाल के खाड़ी तक और फिर बांग्लादेश तक, मोंगला बंदरगाह तक क्रूजिंग हमने किया है। मुझे लगता है कि इन सब इसमें डेवलपमेंट में अगर प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगी तो बड़े प्रमाण पर यह सपना जल्दी ही पूरा होगा। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये समुन्द्र है और मैं ये चाहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो हमारे देश में गन्ना बहुत लगता है तो हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाते हैं, फिर सी मोलासेस से इथेनॉल बनाते हैं, बीवी मोलासेस से इथेनॉल बनाते हैं, अभी ब्रोकन राइस और कॉर्न से भी हमने इथेनॉल बनाने की परमिशन दी है। आसाम में अभी हमने जो बाम्बू है उससे बायो इथेनॉल बनाया है। अभी हमने पानीपत में इंडियन ऑयल ने परली जो जलाते जिससे पोल्यूशन था उससे हमने 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमेन बनाया। तो हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब हमारे देश में पावर एनर्जी कौन सी अवेलेबल है, पहले तो इथेनॉल हम बनाएंगे तो 1-2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाएंगे। तो अभी मैं फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं, मैं 28 तारीख को टोयोटा की जो केमरी गाड़ी थी वो आपको पता होगा जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पर चलती थी, 60% पेट्रोल और 40% इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम वो गाड़ी जो है मैं वो जो लॉन्च करने जा रहा हूँ वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और उससे 40% बिजली तैयार होगी। उनके इसी प्रकार के मॉडल आ रहे हैं, अब पेट्रोल की जरूरत नहीं। अब बजाज, टीवीएस और हीरो ने अपनी बाय मोटरसाइकिल स्कूटर बनाई है, जो ऑटो रिक्शा बनाई है, जो भी केवल बायो इथेनॉल पे चल सकती है 100%। तो आप इथेनॉल ये फ्यूल पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है पर इसके साथ डीजल भी हमारे यहाँ है। तो हम लोग जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना सकते हैं। जो कलकत्ता बंगाल में राइस बहुत होता है तो वो परली जला देते हैं और मुझे लगता है कि इससे अगर हम एलएनजी बनाएंगे तो वो एलएनजी सीएनजी पर हमारी गाड़ियां चलेगी। एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। अभी मैंने 15 दिन पहले पुणे में एक ट्रक एलएनजी का लॉन्च किया जो एक इसमें एक बायोमास फिलिंग में 1400 किलोमीटर चलता है। तो आप समझ लीजिए कि उसकी कॉस्ट 100 रुपए के डीजल के बजाय 40 रुपए का एलएनजी लगेगा, 50 से 60 रुपए की बचत होगी। तो एलएनजी के कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में अब बिजली हम तैयार करते हैं, हमारे देश में 40% सोलर पावर होती है।
अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ रही, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई। और हमारे देश में 3 लाख बसेस हैं, और अभी आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम प्रायोरिटी दे रहे, 5 लाख बसेस लगेगी। अब मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है, फिर डबल डेकर इलेक्ट्रिक लग्जरी बस, जैसे कलकत्ता से गुवाहाटी या कलकत्ता से वाराणसी या ऐसे अनेक, कलकत्ता से भुवनेश्वर, इस प्रकार की बसेस चल सकती है। इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी।